السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لإيلاف قريش إيلافهم رحلة الشتاء والصيف فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف صدق الله العلي العظيم. आज की हमारी जो सूरह मुबारका की तफसीर है वो है सूरह कुरैश। ये सूरह मुबारका मक्की है और इसमें चार आयतें हैं। कुरैश एक कबीला है जिसमें अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा हुए और उन्हीं कुरैश के हवाले से ये सूरह मुबारका है, इस वजह से इस सूरत का नाम कुरैश रखा गया। इससे पहले एक सूरत आती है जिसे हम यानी कि सूरह फील कहते हैं, सूरह अलम तरह इससे पहले आती है, इंशाल्लाह आइंदा कल उसकी तफसीर होगी। तो उसमें असहाब फील का जिक्र है, अब्रहा और उसका लश्कर आया हमला किया। तो असहाब फील के इस अजीब व गरीब वाक़े ने पूरे अरब मुल्क में लोगों के दिलों में कुरैश की धाक जमा दी थी। लोग ये समझने लगे कि वाकई कुरैश के लोग जो ना वो बड़े ही मुक़दस लोग हैं, बड़े ही अल्लाह के महबूब और पसंदीदा बंदे हैं। तमाम यानी कि अरब के रहने वालों के दिलों में कुरैश की अज़मत बैठ गई, बड़े बाअज़मत लोग हैं। और अब ये यानी कि कुरैश का आलम यह था, कुरैश का हाल यह था कि ये लोग तिजारत करते थे, तो मुल्क शाम, मुल्क यमन वगैरह सफ़र करते, और उस ज़माने में जो असफ़ार होते, जो सफ़र होते थे वो महफूज और मामूल नहीं होते थे। रास्ता बड़ा ख़तरनाक होता था, डाकुओं का ख़तरा रहता था, लूटमार चलती रहती थी, लेकिन कुरैश बड़े आराम से इत्मीनान से सफ़र करते, कोई उन्हें छेड़ता नहीं था। इसलिए कि लोगों ने देखा हुआ था कि मक्का पर अब्रहा हमला करने आया तो अल्लाह ने अबाबील के ज़रिए उन्हें तबाह बर्बाद कर दिया, अगर हमने कुरैश को हाथ भी लगाया तो हमारा भी हाल बुरा होना है, अल्लाह ताला हमें भी बर्बाद कर देगा। तो इस वजह से यानी कि लोग उन्हें छेड़ते भी नहीं थे, वो बड़े अमन अमान के साथ, हिफाजत के साथ कारोबार करते थे। उन्हें रास्तों में भी कोई यानी कि ख़तरा नहीं होता था, कोई नुकसान नहीं पहुंचाता था। तो अल्लाह ने ये एक नेमत अज़ीम अता फ़रमाई कुरैश को कि वो इतना ख़तरनाक रास्ता भी अमन अमान के साथ बहिफाजत बग़ैर किसी नुकसान के वो सफ़र करते हैं, मुल्क शाम तक जाते हैं, मुल्क यमन तक जाते हैं, इतनी दूर दूर हज़ारों किलोमीटर का फासला तय करते हैं। अल्लाह फरमाता है ये इतनी अजीम, और सब छोड़ दो, ये ऐसी अजीम नेमत है कि जिन पर कुरैश के खाने पीने का दारो मदार है, कमाई का है ना, माश का दारो मदार है, मईशत का और का यानी खाने पीने का रिस्क का दारो मदार है। अगर ये दो सफ़र ना हो तो फिर अहले अरब भूखे मर जाएं, उनकी हालत ख़राब हो जाए। तो ये अजीम नेमत अल्लाह ने तुम्हें अता फ़रमाई है, तो फिर इस नेमत का शुक्रिया तुम्हें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की इबादत करके करना चाहिए। ये अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह मुबारका में नाजिल यानी कि बयान फ़रमाया है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है सरकार ने कुरैश के ताल्लुक से फ़रमाया, उनकी फजीलत के ताल्लुक से सरकार ने इरशाद फरमाया कि कुरैश को अल्लाह तबारक व तआला ने ऐसी फजीलतें अता फ़रमाई, सात फजीलतें ऐसी अता फ़रमाई है जो ना इससे पहले कभी किसी को मिली हैं ना आइंदा कभी किसी को मिलेगी। ये सात फजीलतें क्या हैं? उनमें सबसे पहली फजीलत ये सरकार फरमाते हैं कि मैं उनमें पैदा हुआ, अफजलुल अम्बियाए वल मुरसलीन, सैयदुल अम्बियाए वल मुरसलीन और ख़ातिमुल अम्बियाए वल मुरसलीन, कहते मैं उनमें पैदा हुआ और नबुव्वत उनमें हुई। आज तक कभी उनमें नबुव्वत आई नहीं थी, बनू इसराइल में चली आ रही थी, तो कुरैश में नबुव्वत आई, ये कुरैश की एक फजीलत है और मैं इनमें पैदा हुआ, ये एक फजीलत। दूसरी फजीलत ये कि काबे की दरबानी, काबे की दरबानी हिफाजत और उसकी खिदमत के लिए कुरैश को मुंतखब किया गया, कुरैश को अल्लाह ने ये मौका अता फरमाया। तीसरा ये कि हाजियों को पानी पिलाने का काम भी इनके हवाले किया गया कि वो हाजियों को पानी पिलाते थे, उनकी खिदमत करते थे। चौथी फजीलत ये कि असहाब फील यानी कि अब्रहा और उसका लश्कर, फील माने हाथी, असहाब माने वाले, हाथी वालों से, तो असहाब फील के मुकाबले में अल्लाह तबारक व तआला ने कुरैश को कामयाबी अता फरमाई। उन्होंने जंग तो नहीं की लेकिन अल्लाह ने उन्हें फतह अता फरमाई बगैर जंग किए हुए। तो ये एक चौथी फजीलत। पांचवी फजीलत ये कि सात साल तक कुरैश के सिवा किसी ने भी अल्लाह की इबादत नहीं की,
یعنی سات سال اللہ کے رسول نے اعلان نبوت فرمایا تو سات سال ایسے تھے کہ جس میں سات سال ایک روایت میں ہے کہ دس سال ایسے تھے کہ جس میں قریش کے سوا کوئی مسلمان ہوا ہی نہیں تھا تو قریش کے سوا کس نے اللہ کی عبادت کی نہیں خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قریشی ہیں اور پھر مکہ میں جتنے لوگ مسلمان ہو رہے ہیں وہ سب قریشی تو کہتے ہیں کہ سات سال تک کم سے کم سات سال تو ایسے ہیں کہ جس میں قریش کے سوا کسی نے اللہ کی عبادت نہیں کی اس کے علاوہ جو ہے یہ یعنی کہ پانچ فضلت اللہ تبارک و تعالیٰ نے انہیں عطا فرمائی تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں یہ ایسی فضلتیں ہیں کہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے سوا کسی کو بھی عطا نہیں فرمایا چھٹی جو فضلت ہے وہ یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کے بارے میں سورہ قریش نازل فرمائی ہے نا پوری سورہ مبارکہ سورہ قریش قریش کے متعلق نازل فرمائی اور اس میں ان کے یعنی تعلق سے بیان فرمایا اللہ تبارک و تعالیٰ نے تو یہ بھی ایک یعنی کہ فضلت ہے قریش کی اور ساتویں فضلت جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قریش کو یہ عطا فرمائی کہ اللہ یعنی کہ قریش کے لیے ان کے لیے دو موسموں میں گرمی اور ٹھنڈی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے سفر کو آسان کر دیا یعنی ایک ہوتا ہے کہ ہم سفر کریں اپنے یعنی کہ کاروبار کے لیے سفر کریں یا کسی بھی ٹرپ پر جائیں تو جو سفر ہوتا ہے آپ گھومنے بھی گئے تو اجمیر جا کر تو سکون ہے گھومے پھرے سب کچھ لیکن جو راستہ ہے یہاں سے اجمیر تک جانے کا وہاں سے واپس آنے کا اس میں بندہ بور ہو جاتا ہے تھک جاتا ہے بہت کچھ پریشانیاں ہوتی ہے تو کہتے ہیں کہ سفر میں ویسی پریشانیاں ہوتی ہیں اور آج کل تو ٹرین پلین وغیرہ کا سفر اس زمانے میں یا تو پیدل سفر تھا یا اونٹوں پر سفر تھا تو اتنے طویل طویل ملک شام تک سفر اور ملک یمن تک سفر کرنا اتنا لمبا سفر کرنا لیکن پھر بھی یہ ان کے لیے یعنی کہ کوئی مشقت کوئی پریشانی نہیں بلکہ ان کو بڑا مزہ آتا تھا ان کے لیے اس میں لذت رکھ دی گئی اللہ نے ان کے لیے ایسی آسانیاں پیدا فرمائی کہ ان یعنی اتنا دور سفر کر کے جاتے تو انہیں مزہ آتا تھا انہیں یعنی تھکاوٹ محسوس نہیں ہوتی انہیں بوریت محسوس نہیں ہوتی وہ اپنی مستی میں مست اتنے لمبے سفر کر لیتے تھے اللہ نے یہ بھی ایک انہیں خاص تحفہ عطا فرمایا بہرحال یہ سورہ مبارکہ ایسی سورہ ہے کہ اگر مصیبت اور خوف کے وقت اس کو پڑھا جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ یعنی کہ دشمن کا ڈر ہو یا دشمن کا خوف ہو یا کسی بھی چیز کا خوف ہو تو اس صورت میں اگر اس سورہ مبارکہ کو پڑھیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے حفظ و امان میں جگہ عطا فرماتا ہے اسے امان عطا فرماتا ہے یہ یعنی کہ ایک مجرب اور آزمود عمل ہے علامہ صاحب تفسیر مظہری جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میرے استاد میرے شیخ میرے پیر حضرت مرزا مظہر جانے جانا بڑے پائے کے بزرگ گزرے ہیں تو فرماتے ہیں کہ میرے پیر جو ہیں حضرت مرزا مظہر جانے جانا انہوں نے خوف کے وقت ڈر کے وقت خطروں کے وقت ہے نا اس سورہ مبارکہ کو پڑھنے کا حکم دیا اور فرمایا کہ ہر بلا مصیبت کو دور کرنے کے لیے اس کو پڑھنا اس سورہ مبارکہ کو پڑھنا مجرب ہے تو صاحب تفسیر مظہری جو ہیں وہ فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو بارہا اس کا میں نے تجربہ کیا باقاعدہ اور میں نے اس کو مجرب پایا کہ جب بھی میں نے اس سورہ کو پڑھا تو مجھے امن و امان مل گیا یہاں تک کہ فرماتے ہیں کہ گاڑیوں میں بھیڑ ہوتی ہے بڑی پبلک ہوتی ہے گاڑیوں میں جگہ نہیں ملتی ہے میں یہ سورہ پڑھ لیتا تھا مجھے جگہ مل ہی جاتی تھی جگہ مل ہی جاتی تھی تو یہ یعنی کہ مجرب ہے اور فرماتے ہیں کہ خود میں نے اسے آزمایا ہے اللہ تعالیٰ اس سورہ مبارکہ میں ارشاد فرماتا ہے لِإِيلَافِ قُرَيْش قریش کے لیے مانوس کر دیا گیا قریش کے لیے ہے نا قریش کو خوگر کر دیا گیا قریش کے دل میں الفت اور محبت ڈال دی گئی الفت ڈال دی گئی ایلاف الفت سے بنا ہے مانوس ہو جانا دل میں محبت ڈال دینا تو قریش کے لیے یعنی کہ محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی کس چیز کی محبت ڈالی گئی ایلافہم رحلت الشتاء والصیف ایلاف کہتے ہیں محبت کو ہے نا اور اس کی عادت ہو جانے کو جب بندے کو کسی کام کی عادت ہو جائے تو پھر اس میں اسے بوریت بھی نہیں ہوتی ہے اور اس میں تھکان بھی نہیں لگتی ہے کہتے ہیں انہیں کس چیز کی عادت ڈال دی گئی یا محبت ڈال دی گئی ایلافہم ان کے محبت کس بات کی رحلت الشتاء والصیف ٹھنڈی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کی محبت ہے نا رحلت الشتاء شتاء کہتے ہیں ٹھنڈی کا موسم صیف کہتے ہیں گرمی کے موسم کو رحلہ کہتے ہیں سفر کو ہم جو سفر کرتے ہیں اسے رحلہ کہتے ہیں تو رحلت الشتاء والصیف ٹھنڈی اور گرمی کے موسم کی محبت ٹھنڈی اور گرمی کے موسم میں سفر کرنے کی محبت ان کے دلوں میں ڈال دی گئی ہے
ये यानी कि मुल्क शाम बड़ा ठंडा मुल्क है, तो गर्मी के मौसम में ये मुल्क शाम का सफ़र करते थे, और मुल्क यमन बड़ा गर्म मुल्क है, तो ठंडी के मौसम में ये लोग गर्म यानी मुल्क यमन की तरफ सफ़र करते थे। मक्का एक ऐसा इलाका कि जहाँ गर्मी के मौसम में बहुत सख्त गर्मी पड़ती है, ठंडी के मौसम में बहुत ज़्यादा सख्त ठंडी पड़ती है, यानी आप दो चार रजाई भी ओढ़ लो, स्वेटर पहनो, तब भी आप धूझते रहो, कांपते रहो, इतनी ठंडी होती है। और गर्मी के मौसम में आप टेरेस पर अंडा फोड़ कर डाल दो तो वो पक जाए, इतनी गर्मी, यानी वहाँ 50 डिग्री टेम्परेचर से ज़्यादा की गर्मी वहाँ पर होती है, तो यानी इतनी सख्त गर्मी। तो सख्त गर्मी का ज़माना आता तो ये चले मुल्क शाम, जो ठंडा इलाका है जहाँ बर्फ़ वगैरह गिरती है, तो मुल्क शाम चले जाते, और जब सख्त ठंडी का वक्त आता तो ये गर्म इलाका यमन उसकी तरफ रवाना होते। ये दो सफ़र साल में दो सफ़र करते थे, और ये दो सफ़र ऐसे होते कि पूरे साल का खर्च इनका निकल आता था। ये कारोबार पहले तो यानी कि अहले अरब जो थे, इनका हाल ये था अहले अरब का कि ये बड़े गरीबी में थे, गुरबत और मुफलिसी में थे, बड़ा फ़क्र फाका चलता था। तो हज़रत हाशिम सरकार के दादा जो हैं, दादा के वालिद परदादा हज़रत हाशिम अब्दुल मुत्तलिब के वालिद, वो ऐसे शख्स हैं कि जिन्होंने सबसे पहले मुल्क शाम का और मुल्क यमन का सफ़र शुरू किया, और इन्होंने कारोबार का ये तिजारत का यानी कि सफ़र शुरू किया, तो पहले वो खुद जाते थे, फिर साथ में धीरे धीरे लोग भी जाने लगे कारोबार करने के लिए, तो बहुत ज़्यादा मुनाफा कमा कर आते। तो इनका हाल ये था अहले अरब का, ये जितने लोग जाते वहाँ से जितना मुनाफा कमा कर लाते, सब मिलजुल कर कारोबार करते, जितना भी मुनाफा होता सारा मुनाफा मक्का लाते, सारे लोगों में बाँट देते, किसने माल दिया लिया कुछ नहीं, जितना मुनाफा हो सारे लोगों में पूरी बस्ती में बांट देते, वो यानी कि गरीब मालदार जो भी हो सब में बांट दिया जाता। तो वहाँ यानी फिर ऐसा हाल होने लगा कि कोई भी ये नहीं कह, यानी गरीब से गरीब आदमी भी अच्छा खाता, यानी कि अच्छा खाते पीते घर का हो गया, यानी समझ लिया जाए यानी कि नॉर्मल लाइफ हो गई हर एक की। ये हज़रत हाशिम, हज़रत हाशिम को हाशिम इसलिए कहते हैं कि जब मक्का में कहत पड़ गया, कहत सारी हुई, बारिश नहीं हो रही थी कई सालों तक, तो हज़रत हाशिम मुल्क शाम गए, वहाँ से कारोबार करके मुनाफा कमाया, फिर वहाँ से रोटियाँ ख़रीदी, और रोटियाँ ख़रीद कर मक्का लाए, और मक्का लाकर उन रोटियों को चूरा बनाया, और एक डेग थी, बहुत बड़ी डेग थी, इतनी बड़ी डेग कि पूरे मक्का के लोगों का खाना उसमें बनता था एक डेग में, जैसे अजमेर में बड़ी डेग है, ऐसी बड़ी डेग वो इतनी बड़ी थी कि उसके नीचे यानी कि उसके साए में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आराम फरमाया करते थे, इतनी बड़ी डेग थी। तो उस डेग में शोरबा गोश्त के अपने ऊँट काटे, ज़बह किए, और उसमें शोरबा तैयार किया, ऊँट यानी के का गोश्त डालकर शोरबा तैयार किया, और फिर उसमें रोटी को चूरा करके डाल दिया। हाशिम कहते हैं रोटी का चूरा करने वाला, हाशिम का मतलब है रोटी का चूरा करने वाला, तो उन्होंने रोटी का चूरा करके उसमें डाला, और पूरे यानी हज का ज़माना था, तो बहुत से मुल्कों और शहरों से हाजी हज के लिए भी आए थे, तो इतनी पब्लिक थी मक्का के रहने वाले और बाकी सारे हाजी, सबको पेट भर कर हज़रत हाशिम ने खिलाया, तो इस वजह से उनका नाम हाशिम हो गया। तो बहरहाल सबसे पहला ये जो सफ़र है तिजारत का इन्होंने शुरू किया, फिर उसके बाद अहले कुरैश जो हैं वो यही सफ़र करने लगे, और कारोबार के ज़रिए से अपनी ज़िंदगी का गुजारा किया करते थे। तो अल्लाह ताला फरमाता है कि जब मैंने तुम्हें ये यानी कि दो सफ़र की इतनी अजीम नेमतें अता फरमाई है, एक गर्मी का सफ़र एक ठंडी का सफ़र, तो तुम्हें चाहिए फल याबुदू रब हादिल बैत, है ना, फल याबुदू रब हादिल बैत, तो लोगों को चाहिए यानी कुरैश के लोगों को चाहिए कि वो इस बैतुल्लाह के रब की इबादत करें, फल याबुदू, तो उन्हें चाहिए कि वो इबादत करें रब हादिल बैत, इस घर के रब की, इस घर के मालिक की, इस घर के खुदा की यानी अल्लाह तबारक व तआला की वो इबादत करें, कि इसी यानी खाने काबा का जो रब है, खाने काबा के रब ने तुम्हें ये नेमतें अता फरमाई है, खाने काबा की हिफाजत की, और खाने काबा की हिफाजत के सदक़े अहले मक्का की भी हिफाजत हुई है और तुम्हें ये नेमतें अता की, तो तुम्हें चाहिए कि तुम इस रब के मालिक की इबादत करो। वो रब कैसा है, रब काबा कैसा है, अल्लज़ी अतअमहुम मिन जू, वो है वो रब, अल्लज़ी वो अतअमहुम के जिसने इन कुरैश को खिलाया, अतअमहुम इन्हें खिलाया, मिन जू भूख से यानी कि भूख के वक्त उन्हें खाना खिलाया, और वह आमनहुम मिन खौफ और इन्हें खौफ से अमन व अमान अता फरमाया,
डर ख़तरा जो था सफ़र का उससे अमन अमान अता फ़रमाया। तो ऐसे रब की यानी रब ने ऐसी नेमतें अता फ़रमाई है, वह सफ़र आसान कर दिया, भूख में खाना खिलाया और साथ ही साथ तुम्हें अमन अमान भी अता फ़रमाया खौफ से। तो तुम्हें चाहिए कि तुम ऐसे अल्लाह की इबादत करो। अब यहाँ पर यानी कि अल्लाह तबारक व तआला ने खाने काबा एक ऐसी जगह पर वाक़ है, ऐसी जगह में है कि जहाँ बिल्कुल एकदम सन्नाटा है, जिसे अल्लाह ने कुरान में फ़रमाया वादी गैर ज़ी ज़रा, ज़रात नहीं, कोई खेती बाड़ी नहीं, कोई बाग नहीं, कुछ नहीं, बिल्कुल रेगिस्तान है। ऐसे इलाके में खाने काबा, और खाने काबा को यानी कि रेगिस्तान में और ऐसे इलाके में रखने की वजह यह है कि लोग तफरीह के लिए घूमने फिरने और पिकनिक के लिए ना आए, पिकनिक के लिए वो है ना कश्मीर शिमला और स्विट्ज़रलैंड जाए, सिंगापुर जाए, लेकिन इबादत करनी हो तो फिर मक्के मुकरमा आए। तो ऐसी जगह में खाने काबा को रखने के लोग सिर्फ घूमने फिरने पिकनिक मनाने ना आए कि यहाँ बहुत अच्छी यानी हरियाली है, बहुत सीनरी बहुत ज़ोरदार है वहाँ का, यानी कि वहाँ की आबो हवा बहुत अच्छी, ऐसा सब कुछ नहीं है वहाँ, कुछ नहीं है ना, जाओ तो गर्मी के थपेड़े लगे और गर्द गुबार, मिट्टी रेत में मिट्टी उड़ रही हो और बिल्कुल हालत ख़राब। लेकिन वहाँ अल्लाह ने इबादत का घर रखा कि ऐसी जगहों पर आओ, सिर्फ इबादत की नीयत से आओ, घूमने फिरने की नीयत से ना आओ। तो बहरहाल ये एक ऐसी जगह पर है। तो अब वहाँ तो ऐसा कुछ नहीं था, हज़रत इब्राहिम ने जब अपने बीवी और बच्चे इस्माइल को वहाँ बसाया तो दुआ की थी, अल्लाह मैंने अपने घर वालों को यहाँ बसाया है तो लोगों के दिल इनकी तरफ माइल फरमा और तू इन्हें रिस्क अता फरमा, अपनी जानिब से रिस्क अता फरमा। दूसरी जगह दुआ फरमाई कि अल्लाह तू यहाँ मक्का के रहने वालों को फलों में से रिस्क अता फरमा। तो अल्लाह ने ये इंतज़ाम फरमाया कि हर किस्म का गल्ला अनाज और हर किस्म के फल आपको मक्का मुकरमा में मिल जाएंगे, पूरी दुनिया के फल भी मिल जाएंगे और सबसे बेस्ट क्वालिटी के मिलेंगे। आप वहाँ का फल अगर खाओ, यानी कि अगर वहाँ की शक्कर टेटी या तरबूज आपने खाया ना, तो फिर हिंदुस्तान में खाने का मज़ा नहीं आएगा। आप कहोगे यार वो खाया था, जब भी खाओगे यहाँ आप याद करोगे यार वो खाया था ना मक्का में, उस जैसा फल तो कभी नहीं खाया। यानी बेस्ट क्वालिटी का मिलेगा और हर किस्म का फल मिल जाएगा, हर किस्म का गल्ला, उगता कुछ नहीं है मिलता सब कुछ है, उगता कुछ नहीं मिलता सब कुछ है। अल्लाह ने लोगों के दिल भी उसकी तरफ माइल फरमा दिए कि लोग सफ़र करके वहाँ जाते हैं और साथ ही साथ हर किस्म के फल भी वहाँ मैसर आ जाते हैं। उस ज़माने में ये होता था कि पहले तो ये कारोबार के ज़रिए से यानी कि इनकी कनेक्टिविटी हुई, पहले मुल्क शाम जाते यहाँ से सामान ले जाते, जो कुछ इनकी खजूरें या कपड़ा वगैरह जो तिजारत का होता वो ले जाकर वहाँ बेचते, वहाँ से बहुत से मसाला वगैरह फल फ्रूट या मसाला और यानी कि ये सारी चीज़ें वो ख़रीद कर यहाँ लाते। इसी तरह से यमन ले जाते, यमन से लाते महंगे कीमती कपड़े यमन से लाते। तो ये कारोबार करते, फिर ये हुआ कि अल्लाह तबारक व तआला ने जिद्दा को एक ऐसा मरकज़ बना दिया, जिद्दा जो आज भी जिद्दा ही कहलाता है, एक ऐसा मरकज़ बनाया कि पूरी दुनिया इर्द गिर्द के सारे लोग जिद्दा जाते और जिद्दा में बहुत बड़ा मार्केट लगता, वहाँ पर लोग जो है अपना सामान बेचते। तो दुनिया भर की मसनूआत, दुनिया भर की बनावटें जो हैं वो वहाँ मैसर आ जाती। तो इस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने अहले मक्का को रिस्क अता फरमाया। ये यानी कि कुरैश जो है ये अरब की एक यानी कि कबीले कराना की एक शाख है जिसे कबीले कुरैश कहा जाता है। इस्लाम से पहले भी ये बड़े मशहूर थे लेकिन इस्लाम आने के बाद तो तमाम अदनान के कबाइल, जितने भी कबाइल अदनान हैं उनमें सबसे ज़्यादा बरतरी और फजीलत कुरैश को हासिल है। यहाँ तक अल्लाह के रसूल ने इरशाद फरमाया कि खलीफा भी अगर कोई बनेगा तो वो कुरैश में से होगा, कुरैश के सिवा कोई और खलीफा नहीं बन सकता। यहाँ तक कि दुनिया में सिर्फ दो कुरैशी रह जाएँ, दो कुरैशी, तब भी खलीफा दोनों में से कोई एक ही बनेगा, कोई तीसरा खलीफा नहीं बन सकता। तो अगर कोई यानी कि दूसरा अगर कोई हाकिम बनता है तो बादशाह कहलाएगा, लेकिन खलीफा तो सिर्फ और सिर्फ कुरैश में से होगा। ये यानी कि कुरैश को अल्लाह तबारक तआला ने फजीलत अता फरमाई। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्हीं कुरैश में पैदा हुए, आपके ऊपर 13 पुश्तें हैं, यानी कि हुजूर से कुरैश तक 13 पुश्तें हैं और फिर अदनान तक 7 पुश्तें हैं। तो इस तरह 20 पुश्तों में सरकार का नसब जो है हज़रत अदनान तक पहुंचता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत इस्माइल की औलाद हैं, हज़रत इस्माइल की औलाद में अदनान है, अदनान की औलाद में कुरैश हैं और कुरैश की औलाद में हाशिम है, हाशिम ही की औलाद में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि अल्लाह ने पूरी दुनिया के लोगों में से अरब को चुन लिया, अरब में से किनाना को चुन लिया, किनाना में से कुरैश को चुन लिया,
कुरैश में से बनु हाशिम को चुन लिया, बनु हाशिम में से मुझे चुन लिया, है ना। तो ये यानी कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फजीलत बयान फरमाई है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो यानी कि नसब नामा है, मोहम्मद इबन अब्दुल्लाह, फिर उनके ऊपर चलते जाएँ तो मोहम्मद इबन अब्दुल्लाह इबन अब्दुलमुत्तलिब इबन हाशिम इबन अब्द मुनाफ इबन कुसई इबन किलाब इबन मुर्रा इबन काब इबन लुवई इबन ग़ालिब इबन फहर इबन मालिक इबन नज़्र, ये जो नज़र है इन्हीं को कुरैश कहा जाता है। कुरैश असल में किर्श एक मछली का नाम है, अब्दुल्लाह इब्न अब्बास की रिवायत है, किर्श ये एक मछली का नाम है जो समंदर में रहती है, और वो इतनी बड़ी मछली और ऐसी शिकारी मछली है कि जो उसके सामने जो भी आ जाए, चाहे बड़ा जानवर हो, छोटा जानवर हो, बड़ी मछली छोटी, कोई भी आए वो सबको खा जाती है और सब पर वो गालिब रहती है, समंदर में उसकी हुकूमत है। तो वो चूँकि सब पर गालिब रहती है और नज़र जो थे वो भी सब पर गालिब रहते थे, इस एतबार से इनको कुरैश कहा जाने लगा। इनका लकब सबसे पहले कुरैश हुआ, फिर नज़र से ऊपर जो है जो यानी कि नसब है नज़र के ऊपर, नज़र इब्ने किनाना इब्ने खुसैमा इब्ने मुद्रिका इब्ने इलियास इब्ने मुज़र इब्ने नज़ार इब्ने माद इब्ने अदनान, ये अदनान तक का नसब है। और अल्लाह के रसूल ने अपना नसब सिर्फ अदनान तक ही बयान किया और हमें भी हुक्म फरमाया कि भाई अदनान तक ही बयान करना है, तो अब इससे ऊपर हमें जाने की ज़रूरत नहीं है। बस इतना पता है कि अदनान हत इस्माइल की औलाद से हैं, हत इस्माइल हत इब्राहिम, हत इब्राहिम हत आदम ही की औलाद में से हैं, जाहिर सी बात है, लेकिन ऊपर तक हम नसब बयान नहीं करते। तो बहरहाल ये यानी कि कबीले कुरैश के ताल्लुक़ से अल्लाह तबारक व तआला ने इस सूरह मुबारका में इनका ज़िक्र फरमाया, और इनका ज़िक्र फरमा के कुरैश का नाम भी सुबह क़यामत तक के लिए बरकरार रखा। अल्लाह तबारक व तआला हमें नेक तौफीक अता फरमाए, और कुरैश की यानी कि हमेशा ताज़ीम की जाती है और हमेशा ताज़ीम की जाएगी, कुरैश को बुरा भला नहीं कहा जा सकता। अल्लाह के रसूल के हदीस मुबारक सरकार इरशाद फरमाते हैं कि जिसने कुरैश को जलील करना चाहा अल्लाह उसे जलील फरमा देगा, जो कुरैश को गिराना चाहेगा अल्लाह उसे गिरा देगा, है ना। लेकिन ये कुरैश की ये फजीलत इस्लाम के साथ है, सिर्फ इस्लाम, अबू जहल भी कुरैशी है लेकिन उसके लिए वो फजीलत नहीं है। तो इस्लाम यानी कि वो कुरैशी के जो मुसलमान हो, वो हमारे हिंदुस्तान वाले कुरैशी नहीं, ये अरब वाले कुरैशी है, वरना यहाँ तो ऐसे लोग हैं जो कुरैशी अपने आप को कहें वो कुरैशी नहीं। तो कुरैश की फजीलत इस्लाम के साथ है, इस मुसलमान है तो फिर उसकी फजीलत है, अगर वो कुरैशी है तो सबसे अफजल व आला है, हिंदुस्तान वाला कुरैशी नहीं, अरब वाला कुरैशी जो अल्लाह के रसूल के ख़ानदान का। अल्लाह तबारक व तआला हमें एक तौफीक अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।